नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं, अभी भी आशा की ज्योति न बुझी है और न भारतवर्ष को महान बनाने की संभावना छिन हुई है। समाज की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय। आजकल समाचार पत्रों में चोरी ठगी डकैती हत्या तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, जिसे देखकर लेखक का मन दुखी होता है। दूसरों पर होने वाले छींटाकशी को देखकर लगता ही नहीं कि कोई ईमानदार बचा हो। ऐसा लगने लगा है कि अधिक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति में अधिक ही दोष दिखाई देता है। आज समाज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके अच्छे कार्यों को तो भुला दिया जाता है और भ्रष्ट आचरण युक्त कार्यों को याद रखा जाता है। इस कारण समाज का हर मनुष्य गुणी कम दोषी अधिक दिख रहा है। आज की यह स्थिति चिंता का विषय है। जीवन के महान मूल्यों की उपेक्षा। क्या तिलक और गांधी के सपनों का भारत यही है? क्या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति किसी गब्बर में डूब गई है? पर लेखक का मानना है कि महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यद्यपि आज के माहौल को देखकर लगने लगा है कि मेहनत करने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बनकर रह गई है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की सोच बदल गई है। मनुष्य के आंतरिक गुण ही चरम और परम। भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं में संग्रह की जगह मानव के आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। लोभ मोह काम क्रोध के विचार तथा आचरण को प्राथमिकता देने को बुरा आचरण माना जाता है। भारत में इन गुणों को संयम के बंधन में बांधने का प्रयास किया जाता है। देश के करोड़ों दरिद्रजनों की गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए अनेक फायदे कानून बनाए जाते हैं। कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है, पर जिन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है वे लक्ष्य भूलकर अपने लिए ही सुख सुविधा जुटाने पर ध्यान देने लगते हैं। समाज में धर्म कानून की स्थिति। भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता है रहा। चूंकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, इसलिए धर्म भीरु लोग कानून की कमियों का फायदा उठाने से नहीं चुकते हैं। समाज का ऊपरी वर्ग कुछ भी करता रहे परंतु वह भी यह महसूस करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है। वे समाज में गलत तरीके से धन कमाने वाले की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। बुराई तो इसमें है कि व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करके रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, पर अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। मनुष्यता नहीं हुई समाप्त। लेखक का अपना मानना है कि अभी समाज में मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। इसकी पुष्टि के लिए वह दो उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। पहले उदाहरण में लेखक अपना अनुभव बांटते हुए बताता है कि एक बार उसने टिकट बाबू को 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में टिकट बाबू हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करता हुआ लेखक के पास आया और विनम्रतापूर्वक लेखक के हाथ पर 90 रुपये रख दिए। उस समय पैसा वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे का विचित्र संतोष और गरिमा देखकर लेखक
चकित रह गया। दूसरी बार जब लेखक अपनी पत्नी और छोटे छोटे तीन बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही अचानक बस खराब हो गई। कंडक्टर बस से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। बस में बैठे सारे लोगों ने समझा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अकेला व्यक्ति था जो परिवार सहित सफर कर रहा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का वहाँ कोई ठिकाना न था। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ बस इसी तरह लूट ली जाती है। लोग भयभीत थे, कुछ नौजवान बस के ड्राइवर को पकड़कर मारना चाहते थे। उसने लेखक की ओर कातर नज़रों से देखा। लेखक ने किसी तरह उन नौजवानों को समझाया बुझाया। कुछ यात्री कहने लगे कि अभी कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा। उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही मार दिया जाए। इसी समय लेखक ने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लिए आ रहा है। उसने अपने साथ लाया पानी और दूध लेखक के बच्चों को दिया। यात्रियों की जान में जान आई। सबने कंडक्टर को धन्यवाद देने के साथ ही बस ड्राइवर से माफ़ी मांगी। बस 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गई। मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक का कहना है कि वह बहुत से स्थानों पर ठगा गया और धोखा भी खाया है। केवल धोखा खाई बातों को ही याद करने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी भी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनमें लोग अकारण ही सहायता करते हैं। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की है कि यदि उन्हें जीवन में धोखा खाना पड़ा तो उस समय उसे ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि वह ईश्वर के ऊपर संदेह न करे। मनुष्य की बनाई विधियां जो गलत नतीजे पर पहुंच जा रही हैं उन्हें बदलना होगा। उन्हें बदला भी जा रहा है। आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं। मानव मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।